हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है संयोजी ऊतक के अंतर्गत कंकाल संयोजी ऊतक की, जिसमें उपास्थि और अस्थि की बात करने वाली हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैं संयोजी ऊतक के पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो बना चुकी हूँ, ये पार्ट थ्री है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम कंकाल तंत्र यानी संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक के बारे में बता रही हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो कंकाल होता है वो संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि हमारा कंकाल किससे बना है, तो संयोजी ऊतक एक संयोजी ऊतक है, ठीक है। एंड हमारा कंकाल तंत्र जो है दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल एंड अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत हमारा नाखून और बाल आता है, जो क्रिएटिन प्रोटीन से बनी होती है। अंतः कंकाल जो है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अस्थियां हैं छोटी बड़ी, सब अंतः कंकाल के अंतर्गत, जो 206 जो हड्डियां हैं वो अंतः कंकाल के अंतर्गत आती हैं। और ये उपास्थि और अस्थि से बना होता है, यानी कार्टिलेज और बोन से बना होता है। तो इसी कार्टिलेज यानी उपास्थि, बोन यानी अस्थि के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा उपास्थि होता है यानी कार्टिलेज जो होता है, वो बहुत ही लचीलापन लिए होता है, यानी ठोस अर्धकठोर और लचीलापन इसमें होता है। इसलिए वो ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ इसकी आवश्यकता, जैसे हमारे श्वास नली में लचीलापन होता है इसलिए वो आगे की ओर जाता है। वहाँ पे यदि कठोर हड्डी होगा तो वो उतना वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ ऐसे स्थान है, कोमल स्थान है, वहाँ वहाँ ये उपास्थि कार्टिलेज पाया जाता है। एक कार्टिलेज जो होता है कांड्रे नामक पदार्थ से बना होता है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांड्रे नामक पदार्थ से क्या बना होता है, तो उपास्थि यानी कार्टिलेज बना होता है, या कार्टिलेज किस चीज से बना होता है, तो कांड्रिन नामक पदार्थ से बना होता है। तो इसके अंतर्गत कांड्रिन के अंतर्गत कोलेजन तथा इलास्टिन नामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं। कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? कोलेजन और इलास्टिन नामक प्रोटीन, ठीक है। और ये जो उपास्थि होते हैं थोड़े से ही स्थान में दो तीन कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में होते हैं, जो पूरे मैट्रिक्स में बिखरी रहती है, ठीक है। यह कचाप, श्वेत रेशेदार यानी व्हाइट फाइबर, कैल्शियम युक्त तथा पित्त प्रत्यास्थ के रूप में होती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये कहाँ पाया जाता है, ये तो लचीलापन लिए होता है, अर्धकठोर होता है, ठीक है। बट ये उन जगहों पर पाया जाता है जहाँ सूक्ष्मात्मक आवरण की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा श्वास नली के छल्लों में यह कार्टिलेज पाया जाता है, कोशिका कशेरुकाओं के बीच यानी कशेरुका यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उनके जोड़ों के बीच एक गद्दे के रूप में बनाता है, जिसे हम ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे भार वहन कर सकते हैं, चोट को सहन कर सकते हैं। और यह दो हड्डियों के जोड़ों के बीच में पाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि चित्र के दो हड्डियों के जोड़ों में क्या क्या दिख रहा है, कि एक रेड कलर का जो द्रव दिखाई दे रहा है वो साइनोवियल द्रव है, ठीक है, जो हमारे हड्डियों को लुब्रिकेट प्रदान करता है। एंड व्हाइट कलर का जो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर से नीचे तक यानी हड्डियों के जोड़े के ऊपर, वो लिगामेंट्स है जो हमारे दो हड्डियों को जोड़ों पर जुड़ता है, जैसे कि पिछली वीडियो में इसके बारे में बता चुकी हूँ लिगामेंट्स के बारे में, ठीक है। एंड जो साइनोवियल द्रव में व्हाइट कलर का दिख रहा है वो कार्टिलेज यानी उपास्थि है, ठीक है, जो हमारे शरीर की बाहरी चोटों से रक्षा करता है। तो यह एक गद्दे के रूप में बनाता है, इसे ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। एंड ए नाक और कान आदि में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, चोटों को अवशोषित करने का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे लैकुली कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लैकुली किसे कहते हैं, तो उपास्थि के अंतर्गत
थैली नुमा संरचना पाया जाता है जिसे लैकुली कहते हैं। तो दोस्तों इस उपास्थि से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि उपास्थि कैसा होता है, कठोर अर्ध कठोर लचीला होता है, किस पदार्थ से बना होता है, तो कांड्री नामक पदार्थ से बना होता है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं इसमें, तो कोलेजन और इलास्टिन नामक प्रोटीन होते हैं, और कहाँ पाया जाता है, तो हमारे जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता होती है, श्वास नली के छल्लों, रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के बीच में, हड्डियों के जोड़ों के बीच में, नाक और कान आदि स्थानों पर पाया जाता है। किसका काम करता है, चोटों को अवशोषित करने का काम करता है, यानी चोटों को कम करने का ये काम करता है। नेक्स्ट है अस्थि यानी बोन, जो हमारा कठोर पार्ट यानी लंबे हड्डियों की पार्ट होती है, ये कठोर होता है। तो यह अस्थि जो होता है ठोस कठोर तथा शक्तिशाली संयोजी ऊतक है, और यह आसीन नामक प्रोटीन से बना होता है, जबकि उपास्थि यानी कार्टिलेज किस प्रोटीन का बना था, कांड्रीन नामक। तो यह अस्थि जो है आसीन नामक प्रोटीन व कैल्शियम तथा फास्फोरस से बना होता है। तो हड्डियों का यानी अस्थियों का जो कठोरपन होता है वो किस कारण से होता है, कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण। कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देता है कि अस्थियों का यानी बोन का कठोरपन किस कारण से होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस के कारण, ठीक है, उपस्थिति के कारण। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस की एपेटाइट लवण पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम तथा फास्फोरस के एपेटाइट लवण होते हैं। यह जो है अस्थि जो है 50% जल एंड 50% ठोस पदार्थों से बना हुआ है। ये इसमें जो है दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट नामक दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से ऑस्टियोब्लास्ट का कार्य अस्थि के निर्माण कार्य में है एंड ऑस्टियोक्लास्ट का कार्य अस्थियों के विघटन का कार्य करना है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि के निर्माण कार्य करता है और ऑस्टियोक्लास्ट जो है अस्थि के विघटन का कार्य करता है। एंड इस प्रकार से इसमें ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिका किस में पाई जाती है, तो बोन में पाई जाती है। नेक्स्ट है हेवर्सियन नली जो है लंबी अस्थियों के बीच में एक गुहा पाई जाती है, ठीक है, यानी खाली जगह जो पाई जाती है उसे हेवर्सियन नली कहते हैं, ठीक है। लंबी जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों के बीच में एक गुहा दीवार के रूप में बीच में खाली स्थान पाया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेवर्सियन नली बोलते हैं, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अस्थि मज्जा गुहा यानी बोन मैरो कैविटी, इससे क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा और आते ही रहते हैं, ठीक है। ये अस्थि मज्जा गुहा यानी बोन मैरो कैविटी कहाँ पाया जाता है, कि अस्थियों के खोखली भाग में पाई जाती है, यानी लंबी अस्थियों के खोखले भाग में अस्थि मज्जा गुहा यानी बोन मैरो कैविटी पाया जाता है। और अस्थि जैसे कि चित्र में दिख रहा है, तो अस्थि मज्जा के किनारों पर आरबीएम यानी रेड बोन मैरो का निर्माण होता है, ठीक है। खोखले भागों जितना भी खोखले भाग है, खोखले भागों में अस्थि मज्जा पाई जाती है, और अस्थि मज्जा के किनारों पर रेड बोन मैरो आरबीएम का निर्माण होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, किनारों पर रेड बोन मैरो एंड बीच में YBM यानी येलो बोन मैरो का निर्माण होता है। और RBM यानी रेड बोन मैरो क्या करता है, RBC के निर्माण में सहायक होता है, एंड YBM जो होता है WBC के निर्माण में सहायक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि बोन मैरो का निर्माण कहाँ होता है, तो लंबी अस्थि को खोखले भाग में होता है। RBM यानी रेड बोन मैरो का निर्माण कहाँ होता है, कि अस्थियों यानी बोन मैरो कैविटी के अस्थि मज्जा के किनारों पर होता है। और येलो बोन मैरो यानी RBM का YBM का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा के बीच में होता है, ठीक है, बोन मैरो के बीच में। RBC के निर्माण में कौन सहायक होता है, RBM यानी रेड बोन मैरो। WBC के निर्माण में कौन सहायक होता है, YBM यानी येलो बोन मैरो, ठीक है।
आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। आरबीसी को वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है एंड डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, लीकोसाइट। ठीक है, एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी निर्माण जो है रेड बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट्स का भी निर्माण तो रेड बोन मैरो में होता है, जिसको जिसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। ठीक, और जन्म के समय अस्थियां जो है उपास्थियों की बनी होती है। ठीक है, और बाद में कुछ समय पश्चात ऑसिन प्रोटीन तथा कैल्शियम के जमाव के कारण यही उपास्थियां अस्थियों में बदल जाती हैं। तो इस उपास्थियों के अस्थियों में बदलने की क्रिया को ऑसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और यह लड़कियों में 18 वर्ष एंड लड़कों में 21 वर्ष में पूर्ण होता है। इसीलिए देखे होंगे कि बच्चों का जो हड्डी होता है एकदम लचीलापन लिए होता है, जो टूटता नहीं है, अक्सर मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अस्थि उपास्थि का पाठ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा अस्थि उपास्थि यानी कार्टिलेज एंड बोन दोनों के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ कि कार्टिलेज एंड बोन यानी अस्थि उपास्थि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे जरूर हल करेंगे। एंड दोस्तों यदि आपके मन में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में यदि सवाल हो या एनाटॉमी फिजियोलॉजी किनेसियोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसे समझाने की यानी उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें से वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए आवश्यक है उन सब टॉपिक के बारे में मैं वर्णन करूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।